देखो ना, 4x इसी तरह आ गया, ये 4x भी इसी तरह, 4 का जजर अलहदा और एक्स स्केयर का जजर अलहदा, ये 1 मनफी एक्स स्केयर का जजर अलहदा आ गया। अब 4 का जजर 2 आ गया, मरबा जजर कैंसिल, x आ गया, x x के साथ कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या बचेगा 2 ओवर 1 मनफी एक्स स्केयर, ये था हमारा फाइनल आंसर। बच्चों ये पिछले लेक्चर के अंदर ये 3 स्टेप रह गए थे, वो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए। अब करें क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। वाई इज इक्वल टू सी कैंड इनवर्स की पावर 3, फाइंड करें डी वाई ओवर डी एक्स, फाइंड करें डी वाई ओवर डी एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स और इस तरह भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स, सी कैंड इनवर्स एक्स की पावर 3। यहाँ पर कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, पावर रूल, क्योंकि फंक्शन के ऊपर पावर आ गई, कौन सा रूल लगा देंगे, पावर रूल। क्या था पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक कम, फिर बेस का दोबारा डेरिवेटिव, बेस क्या हमारे पास सी कैंड इनवर्स एक्स है, ये 3 इसी तरह सी कैंड इनवर्स की 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, सी कैंड इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हमारे पास 1 ओवर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जजर, फिर एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस 1, फिर एंगल का दोबारा डेरिवेटिव। बच्चों सीकेंड, देखो ना फंक्शन के ऊपर पावर आ गई थी, पावर पहले पावर में से कम, फिर बेस का दोबारा डेरिवेटिव, बेस क्या हमारे पास सीकेंड इनवर्स एक्स है, सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जजर, फिर एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, ये था हमारा फाइनल आंसर, डी एक्स डी एक्स के साथ कैंसिल हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 9, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1 ओवर एक्स, फाइंड करें डी वाई ओवर डी एक्स, हमने क्या फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, पहला स्टेप क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, टेन इनवर्स 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव। बच्चों टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, प्लस टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों जो एक्स यहां पर है वही एक्स यहां पर पुट करेंगे, 1 ओवर एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास 1 ओवर एक्स, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। देखो यहां पर सादा एक्स था तो यहां पर सादा एक्स पुट किया है, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो एक्स यहां पर है वही एक्स यहां पर पुट करेंगे, वही एक्स का दोबारा डेरिवेटिव, वही एक्स का दोबारा डेरिवेटिव है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स डी एक्स के साथ कैंसिल 1 आ गया, प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, एक्स का स्क्वायर आ गया, नीचे डेरिवेटिव नहीं लिया जा सकता, ऊपर जाके एक्स की पावर माइनस 1 होगी, एक्स का डेरिवेटिव बच्चों नीचे नहीं लिया जा सकता, ऊपर जाके पावर माइनस 1 होगी, ये 1 इसी तरह 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसी तरह, अब नीचे क्या ले लेंगे एलसीएम, बच्चों नीचे क्या ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1 के साथ, इसका देखो 1 का बटा नहीं है, ये एक्स स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल 1 आ गया,
यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे, पावर रूल, पावर पहले, पावर में से कम, बेस का लेंगे तो वन ही आ जाएगा, पावर रूल, पावर पहले, पावर में से कम, बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो वन ही आ जाएगा, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। अब देखो ये डिवाइड के अंदर है, इसको जब लेके जाएंगे मल्टीप्लाई के अंदर रकम को उल्टा के लिख देंगे, एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन नीचे, इसी तरह माइनस वन आ गया एक्स की पावर माइनस टू, माइनस वन इसी तरह माइनस वन माइनस वन माइनस का टू आ गया, नीचे आ गए पावर पॉजिटिव की, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये नीचे आ गए पावर पॉजिटिव की, ये माइनस की पावर है, नीचे आ गए पावर पॉजिटिव की, एक्स स्क्वायर के साथ कैंसल, बच्चों एक्स स्क्वायर के साथ कैंसल हो गया, क्या आंसर आ गया, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, बच्चों प्लस माइनस माइनस, माइनस वन प्लस माइनस माइनस, प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल, आंसर क्या आ गया, शून्य, जीरो के बराबर आ गया बच्चों आंसर, प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू cos cot x, फाइंड करें डी वाई ओवर डी एक्स। पहला स्टेप क्या हमारा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स और इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स, cos cot x। अब देखो ये कोज का एंगल है बच्चों, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा बल्कि ये कोज का एंगल है, ये कोट एक्स क्या है, एंगल किसका, कोज का, सिर्फ सिंपल फार्मूला लगा देंगे कोज का, कोज का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, फिर एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, कोज का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, फिर एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, कोज का डेरिवेटिव माइनस साइन आ गया, एंगल तो इसी तरह साथ आएगा, फिर दोबारा एंगल का डेरिवेटिव है, फिर दोबारा एंगल का डेरिवेटिव है, कोज का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल उसी तरह साथ आ जाएगा, फिर दोबारा एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन कोट एक्स, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोट का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, देखो कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, फिर एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, बच्चों ये फार्मूले अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं, माइनस माइनस प्लस, साइन कोट एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ये था हमारा फाइनल आंसर, साइन का डेरिवेटिव कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल उसी तरह साथ आ जाएगा, फिर दोबारा एंगल का डेरिवेटिव, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, फिर एंगल का लेंगे तो वन ही आ जाएगा, ये था हमारा फाइनल आंसर। ये तो क्वेश्चन नंबर 11, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, वाई इज इक्वल टू टेन एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर, फाइंड करें डी वाई ओवर डी एक्स, फाइंड करें डी वाई ओवर डी एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, टेन एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पर कौन सा रूल लगा देंगे, क्वेश्चन रूल, बच्चों क्वेश्चन रूल क्या था, ऊपर वाला पहला फंक्शन है, नीचे वाला दूसरा फंक्शन, क्वेश्चन रूल लगा देंगे, क्वेश्चन रूल दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव ओवर दूसरे का स्क्वायर। बच्चों ये जो उनसे फार्मूले हैं प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर समझाए गए हैं बड़ी अच्छी तरीके से। यहाँ पर कौन सा रूल लगा देंगे, क्वेश्चन रूल, दूसरा फंक्शन वैसे पहले का डेरिवेटिव
माइनस पहला फंक्शन वैसे दूसरे का डेरिवेटिव ओवर दूसरे का स्क्वायर, ओवर दूसरे का स्क्वायर, ऊपर वाला पहला फंक्शन नीचे वाला दूसरा फंक्शन, दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला वैसे दूसरे का ओवर देखो दूसरा फंक्शन वैसे पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव ओवर दूसरे का स्क्वायर, ओवर दूसरे का स्क्वायर, ऊपर वाला पहला फंक्शन नीचे वाला दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर, इसी तरह आ गया टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, एंगल का लेंगे तो वन नहीं आ जाएगा, एंगल का लेंगे तो वन नहीं आ, देखो ना टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, एंगल का वन नहीं आ गया, माइनस आ गया टेन एक्स, पावर रूल पावर पहले पावर में से कम, बेस का लेंगे तो वन ही आ जाएगा, डी एक्स के साथ कैंसिल, एक्स का स्क्वायर और ये भी स्क्वायर एक्स की फोर आ गया, आंसर क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर सी कैंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स टू एक्स ओवर एक्स की फोर, ऊपर से कॉमन क्या ले लेंगे एक्स, बच्चों ऊपर से कॉमन क्या ले लेंगे एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा एक एक्स कैंसिल, यहाँ पर एक एक्स बचेगा सी कैंड स्क्वायर एक्स, एक एक्स कैंसिल यहाँ पर टू टेन एक्स बचेगा, नीचे आ गया एक्स की पावर फोर, अब एक एक्स इसके साथ कैंसिल यहाँ पर बचेगा तीन एक्स, एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस का टू टेन एक्स ओवर एक्स की पावर थ्री, ये था बच्चों हमारा फाइनल आंसर, यहाँ पर कौन सा रूल लगा दिया क्वेश्चन रूल, ये था क्वेश्चन नंबर 12, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, एक्स इक्वल टू साइन टू टी वाई इज इक्वल टू टू कोज टी, देन फाइंड करें डी वाई ओवर डी एक्स, बच्चों हमने क्या फाइंड करना डी वाई ओवर डी एक्स, देखो दो फंक्शन क्या है अलहदा अलहदा, कौन सा रूल लगाना पड़ेगा चेन रूल, बच्चों इस फंक्शन का अलहदा से डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे और इस फंक्शन का अलहदा से डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, फिर चेन बनाएंगे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसका बच्चों अलहदा से डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, बच्चों टी के रिस्पेक्ट लेना है डेरिवेटिव, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव हमेशा जो राइट साइड के ऊपर फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट लेते हैं डेरिवेटिव, टी या राइट साइड पे टी के रिस्पेक्ट, डी एक्स ओवर डी टी, डी ओवर डी टी साइन टू टी का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोज, साइन का डेरिवेटिव कोज टू टी, फिर एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, एंगल क्या हमारे पास टू टी कोज टू टी, ये टू इसी तरह टी को टी के रिस्पेक्ट लेंगे तो वन आ जाएगा, बच्चों ये टू कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देंगे, टी को टी के रिस्पेक्ट लेंगे तो वन, बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा टू कोज टू टी, तो हमारे पास आंसर आ गया डी एक्स ओवर डी टी, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, दो फंक्शन क्या थे अलहदा अलहदा, कौन सा रूल लगाना पड़ेगा चेन रूल, बच्चों इस फंक्शन का अलहदा से डेरिवेटिव और इस फंक्शन का अलहदा से डेरिवेटिव, y इज इक्वल टू टू कोज t, t के रिस्पेक्ट ले लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, राइट साइड पे फंक्शन क्या है t वाला, तो t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई ओवर डी टी, टू कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देंगे, डेरिवेटिव कोज t का, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, फिर एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, एंगल क्या हमारे पास टी है, माइनस टू साइन टी डी टी, डी टी के साथ कैंसिल वन आ गया, क्या आंसर आ जाएगा माइनस टू साइन टी डी वाई ओवर डी टी, अब क्या बना देंगे चेन, अब क्या बनाएंगे चेन, देखो चेन बनाने का तरीका सीख लें, वाई फंक्शन टी का, वाई इज इक्वल टू टी, फिर टी फंक्शन एक्स का, टी फंक्शन एक्स का,
वाई फंक्शन टी का और टी फंक्शन एक्स का। और सबसे पहले बच्चों ये दो सेम वेरिएबल वाई को ले लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट, क्या आंसर आएगा डी वाई ओवर डी एक्स। फिर वाई को ले लेंगे टी के रिस्पेक्ट, क्या आंसर आएगा डी वाई ओवर डी टी। सबसे पहले y को x के रिस्पेक्ट ले लेंगे dy और dx आ गया, फिर y को t के रिस्पेक्ट लेना है मसावी लिखेंगे, फिर y को t के रिस्पेक्ट, फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई, फिर t को लेंगे x के रिस्पेक्ट, क्या आंसर आ जाएगा dt ओवर dx। dy ओवर dt की वैल्यू क्या हमारे पास, dy ओवर dt की वैल्यू माइनस टू साइन t मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू लिख रही है dt ओवर dx, लेकिन हमने वैल्यू कौन सी फाइंड की है dx ओवर dt। बच्चों क्या करेंगे उल्टा आगे लिख देंगे वैल्यू 1 ओवर 2 cos 2t, ये 2 के साथ कैंसिल, क्या आंसर आ जाएगा माइनस साइन t ओवर cos 2t। ये था हमारा dy ओवर dx। अगर बच्चों अगर मेरे YouTube चैनल के ऊपर आपको अगर किसी लेक्चर की वीडियो नहीं मिलती किसी चैप्टर की, तो आपने मेरा व्हाट्सअप नंबर पर लाजमी रब्ता करें ताकि मैं उनके आपको लिंक सेंड कर दूंगा, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कोई किसी चैप्टर का लेक्चर। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखें।